अंग नगरी भागलपुर के आनंदराम ढांढनिया सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वावधान में महिला मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्र सेविका समिति सह सरकारी वाहिका सुनीता हल्देकर ने कहा कि भारत की समृद्धि और संस्कृति की रक्षा में मातृशक्ति का योगदान काफी रहा है। हमारा जो मूल जीवन दर्शन था महिला विषयक, उस जीवन दर्शन में भूल भ्रांतियां निर्माण हुई और ऐसे समय में इन भ्रांतियों को दूर करना यह हम सभी का काम है और इसी आधार पर ही इस राष्ट्र को हम विश्व दरबार में खड़ा कर पाएंगे। और ऐसी जो तेजस्विता है, ऐसा जो चिंतन है या महिलाओं में जागृत हो, इसलिए ही आज के दिन यह सम्मेलन हमने आयोजन किया है। मातृशक्ति सम्मेलन में सम्मिलित होकर के मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है क्योंकि इस सम्मेलन की उम्मीद हमने 500 महिलाओं की रखी थी लेकिन सहभागिता 1000 से भी ऊपर हुई, तो ये एक कहीं ना कहीं मातृशक्ति की जागृति का एक अच्छा उदाहरण है और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कार्यक्रम को देख करके इस कार्यक्रम प्रसार में जो भी उपस्थित थी महिलाएं आज इस कार्यक्रम सत्र में 4 गट चले हैं, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र, और तीनों चारों सत्र में हमारी चार उद्बोधक आई थी, श्वेता प्रियदर्शनी जी, छाया पांडे जी, डॉक्टर रुमा यादव जी एवं आशा ओझा जी। इन सबों ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, साथ ही साथ महिलाओं को इस मंच के माध्यम से बाहर जा कर के अपने जनसंपर्क कर लोगों को जागृत करने का एक परिचय दिया। संघ ने ऐसा सोचा कि सभी कई अनुसांगिक संगठन हैं लेकिन महिला समन्वय को करने वाला कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जहाँ की सभी महिलाओं को समन्वय करके चले, तो इसके लिए संघ ने सोचा एक महिला समन्वय बनाना, तो सभी पूरे बिहार प्रदेश में इसको बनाया गया, फिर जगह जगह पे ये विभाग स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी के तहत आज भागलपुर में आनंदराम ढांढनिया स्कूल में भी आज महिला समन्वय का बैठक किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, भारतीय जनता पार्टी और विद्या भारती जैसे संगठनों से जुड़े काफी कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए प्रीतम पांडे की रिपोर्ट।